हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में ये बॉटल एंड कैंडल पेंटिंग का सेट शेयर करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, बॉटल दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, बट बनाने में बहुत ही आसान है। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट आपको इसके लिए नहीं चाहिए। ये कैंडल है, दोनों पे मैंने एक ही तरह का डिज़ाइन बनाया है, जिससे कि आप ऐसे सेट बनाकर किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं और अपने घर पर डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में दोनों पे करने का प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। इसमें कुछ आप अपने कलर इफेक्ट वगैरह देके डिफरेंट डिज़ाइंस भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का जूट मटेरियल या कुछ भी आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन देने के लिए, कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ये देखिए, दिखने में बॉटल पे कितना अच्छा प्रिंटेड इफेक्ट लग रहा है। बट मैंने इसके लिए सिंपल टिश्यू पेपर्स यूज़ करे हैं, जो बर्थडे पार्टीज में हम यूज़ करते हैं। ग्लास बॉटल चाहिए आपको इसके लिए। तो बॉटल को पहले बहुत अच्छी तरह से सरफेस को क्लीन कर लेना है। इसके साथ ही हमें कोई भी प्रिंटेड टिश्यू पेपर चाहिए, जिस डिज़ाइन का आपको बनाना हो इस तरह का। फ्लोरल भी ले सकते हैं, मैं दोनों तरह का आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। फॉर दिस पेंटिंग और मेकिंग बॉटल एंड कैंडल वी आर यूजिंग द सिंपल टिश्यू पेपर, प्रिंटेड टिश्यू पेपर विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि मार्केट में नॉर्मली हमें प्रिंटेड पार्टीज वगैरह में यूज़ करने के लिए मिलते हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी स्पेशल डेकोपास टिश्यू पेपर, क्योंकि वो बहुत जगह अवेलेबल कई बार नहीं होता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। और ये वाले जो टिश्यू पेपर है बहुत ही सिंपली ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लीन बॉटल पे जो भी हम टिश्यू पेपर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक बेस कलर करेंगे। जैसे मेरा टिश्यू पेपर लाइट येलो कलर का है, तो मैं वाइट एंड येलो कलर को मिक्स करके शेड बनाकर इस बॉटल पे करने वाली हूँ। सबसे पहले कलर को मिक्स कर लेंगे, येलो एंड वाइट कलर को। और कोई भी फ्लैट ब्रश लेके, या आपके पास में कोई इफ यू हैव अ स्पंज ब्रश, उससे हमें बॉटल पे इसको अप्लाई करना है। यू डोंट नीड एनी परफेक्शन, बिकॉज दिस इज ओनली द बेस कोट, जो कि बाद में टिश्यू पेपर से वी विल कवर इट। आप साथ में देख सकते हो, मैं आपको एक और बॉटल शेयर कर रही हूँ। ये एक बॉटल लैम्प है 3D इफेक्ट के साथ में। मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बनाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बेल बटन को हिट नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये एक और दूसरा मेरा बॉटल पे क्रिएशन है, ये भी एक तरह का लैम्प है। बनाना इसका सबका प्रोसेसर मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। ये हमारी बॉटल पे बेस कलर तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट सब तरफ से मैंने इसको कवर कर दिया है। बॉटल पे बेस कलर करने के लिए आप एक्रेलिक कलर के साथ साथ, अगर इफ़ यू हैव अ स्प्रे पेंट, तो आप स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का। और कोशिश करिए हमेशा बेस कलर जो आपका टिश्यू पेपर है उसके कलर से मैच करता हुआ हो, तो जो पेपर का शेड होगा दैट विल बी द परफेक्ट शेड यू विल गेट इफ द बेस कलर इज ये सेम एज टिश्यू पेपर डिज़ाइन। जैसे ही हमारा ये एक्रेलिक कलर का बेस सूख जाता है, इसके बाद में हम इसके ऊपर डेकोपास ग्लू का एक पूरा लेयर करेंगे। और डेकोपास ग्लू भी जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी आप फ्लैट ब्रश से या स्पंज ब्रश दोनों से लगा सकते हैं। स्पंज का ब्रश नहीं है तो आप कोई भी एक स्पंज पीस लेके उससे भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटल के कैप पे भी आई जस्ट अप्लाइड द बेस कलर, और फिर मैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा टिश्यू पेपर का डिज़ाइन वाला पार्ट स्टिक कर दूंगी, तो जिससे वो एकदम अच्छा सा डिज़ाइन हो जाएगा। अब जब तक बॉटल सूख रही है, तो हम कैंडल भी जो बनाने वाले हैं, तो हम उसमें कितनी विड्थ हमें पेपर का चाहिए वो सब मेज़र कर लेंगे। डिज़ाइन को उसके अकॉर्डिंग हमें कट करके तैयार कर लेना है। जो टिश्यू पेपर होते हैं नॉर्मली 2-ply या 3-ply होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके बैक में से यू कैन रिमूव द एक्स्ट्रा पेपर। तो सबसे पहले हमें जो बॉटल की हम लेंथ मेज़र करके, बॉटल और कैंडल जो भी हम बना रहे हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको टिश्यू पेपर को कट करते हैं। और वन थिंग यू शुड रिमेंबर, वी आर नॉट यूजिंग सीजर, वी आर जस्ट डूइंग इट विद हैंड, सो दैट इट विल बी अनइक्वल। जो उसकी सरफेस है या साइड्स है वो अनइक्वल रहने से इट विल मर्ज प्रॉपरली इन टू द बॉटल बेस कलर। अगर इसको सीजर से कट करोगे, इफ़ यू विल कट विद सीजर, देन यू विल गेट अ लाइन मार्क। बॉटल पे लगाने के बाद में उसके सरफेस के चारों तरफ एक लाइन मार्क आ जाएगा, तो हम वो लाइन मार्क नहीं चाहते। तो दैट्स वाई आई जस्ट कट इट विद माई फिंगर, एंड एक्स्ट्रा बॉर्डर पार्ट ऑल्सो हम रिमूव कर देंगे। एंड जो एक्स्ट्रा आप देखिए, पीछे से प्लाई पूरी रिमूव हो जाती है, तो एक बहुत ही थिन लेयर ऑफ प्रिंटेड पेपर का वी विल गेट। और सो
दिस पेपर वी शुड हैंडल इट वेरी केयरफुली, हमें इसको बहुत अच्छे से केयरफुली हैंडल करना है बिकॉज ये बहुत जल्दी से टियर हो सकता है। अब हम डेकोपास ग्लू लेके इसका पूरा इसके सरफेस पे हम कोटिंग करेंगे जब सुबह कलर बेस कलर व्हेन द बेस कलर इज ड्राई। तो यू कैन यूज द फ्लैट ब्रश ऑल्सो और यू कैन डू इट विद द स्पॉन्ज ऑल्सो। स्पॉन्ज ब्रश आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट बट इफ़ यू डोंट गेट द स्पॉन्ज ब्रश यू कैन यूज वन स्पॉन्ज पीस एंड उससे पूरा अच्छी तरह से लगा के वेरी केयरफुली वी विल जस्ट स्टिक द पेपर। एक ड्राई स्पंज लेके आई एम जस्ट प्रेसिंग इट सो दैट वो उस पर प्रॉपरली लग जाए। तो बहुत ही ध्यान से इसको करना है, बस इस स्टेप पे वी नीड टू बी केयरफुल। हल्का सा हो सकता है कभी कभी क्रीज वगैरह आ जाता है बट इट डजेंट मैटर क्योंकि बॉटल पे वो इफेक्ट भी अच्छा लगता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन टू द डेकोपास टिश्यू पेपर एंड नॉर्मल पेपर क्योंकि उसका हैंडलिंग इससे थोड़ा सा ईजी होता है। अच्छी तरह से चारों तरफ जो हमें इसको बॉटल पे स्टिक कर देंगे, जब पूरा अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा सरफेस को प्रेस कर देंगे जो एयर बबल्स या कुछ भी पेपर के बीच में है तो वो पूरा निकल जाएगा और इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सरफेस को इक्वली नहीं टोर किया है, मैंने उसको ऐसे थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में जैसे डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग करके इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। टिश्यू पेपर को डेकोपास ग्लू से लगाने के बाद में हम एक बार इसको पूरा ड्राई होने देंगे। मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आप देखिए मेरा तैयार हो गया बॉटल। ये देखिए मैंने जो बेस कलर लिया था उसी में हल्का सा येलो शेड और मिला दिया और इससे मैंने जस्ट इसको एक मिक्स इफेक्ट देने के लिए रेंडमली मैंने उस कलर को यूज कर लिया तो कोई कहीं भी हमें लाइन मार्क नहीं मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। अब इस बॉटल को पूरा ड्राई होने देंगे अच्छी तरह से और उसके बाद में हम जो डेकोपास ग्लू है उसकी दो कोटिंग करेंगे जो कि एज ए सीलेंट इस पे वर्क करेगी। राइट नाउ आई एम डूइंग द फर्स्ट कोटिंग, ये डेकोपास ग्लू की फर्स्ट कोटिंग मैं कर रही हूँ, मैं अभी स्पॉन्ज से कर रही हूँ, सेकेंड मैं आपको ब्रश से करके दिखाऊंगी। ये ब्रश से मैं कर रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड कोटिंग के बीच में फर्स्ट लेट इट ड्राई प्रॉपरली एंड देन वी विल डू द सेकेंड कोटिंग। गीले पे हम नहीं करेंगे। सेम थिंग विद द बॉटल कैप ऑल्सो आई यूज द वन टिश्यू पेपर पीस तो उस पर भी डिज़ाइन आ गया है। अब हम कैंडल बनाएंगे, कैंडल के लिए मैं यहाँ पे फ्लोरल वाले टिश्यू पेपर से आपको दिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस है, टिश्यू पेपर को पहले मेजर करके उसकी लेंथ एंड विड्थ को हमने कट कर लेना है कैंडल के अकॉर्डिंग, फिर कैंडल पे हमने डेकोपास ग्लू लगा के इसको पेपर को स्टिक करना है। यहाँ पे मैंने कोई भी बेस कलर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू पेपर है इसका कलर वाइट है। जो दूसरा वाला कैंडल का डिज़ाइन जो उसके साथ का तो हम उसमें कैंडल के भी जो ऊपर वाली सरफेस है इस पे यहाँ पे मैंने सेम कलर करके अब ये डेकोपास से सील कर दिया। तो इस तरह से मैंने दोनों डिज़ाइन के कैंडल्स और बॉटल तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो ये बॉटल को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज इस पर कोई भी स्ट्रिंग्स जूट स्ट्रिंग्स और नॉर्मल थ्रेड स्ट्रिंग जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ आप एसेसरीज इस पर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सेम टिश्यू पेपर यूज़ किया बट मैंने यहाँ पे ग्रीन एंड येलो का बैकग्राउंड दे दिया उस बॉटल में। यहाँ पे मैंने आपने देखे दूसरा फ्लोरल यूज़ किया है। यहाँ पे सेम टिश्यू पेपर पे मैंने येलो एंड ग्रीन से कलर से उस पर इफेक्ट दे दिया। ये मेरा अपकमिंग वीडियो है तो आप मेरे चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया और बेल बटन हिट नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।